हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोबरिंग विद आरती। एंड सबसे पहले तो आप सबको बिग बिग थैंक यू कि आप सबने मुझे इतना लाइक किया, इतना प्यार दिया मुझे, मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया आप सबने। और दूसरा, आई एम सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम तक गायब रही हूँ अपने चैनल से। कोई भी वीडियो मैंने बहुत लंबे टाइम से अपलोड नहीं किया है, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो तो मैं आप सबके लिए लिखी आऊँ। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो पे क्या दिखाने वाली हूँ, मैं पहले वो बता देती हूँ। तो आज मैं आप सबको अपने इंडोर हाउस प्लांट्स का टूर कराने जा रही हूँ। उनके नाम क्या क्या है, उनकी केयर मैं कैसे करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूँगी। तो सबसे फर्स्ट प्लांट जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ वो है ये सिंगोनियम का। ये सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी है। इसको मैंने इस तरीके के वाइट पॉट में लगा के रखा है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन है ना। और सिंगोनियम के मेरे पास तीन वैरायटी है। ये वाली जो है ये बड़े पत्तों वाली है, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। देखिए इसके लीव्स कितने सुंदर है ना। और एक और सिंगोनियम है, वो है ये पिंक पत्तों वाला। इसको मैंने वाटर में ग्रो किया हुआ है। जैसे मनी प्लांट ग्रो करते हैं वैसे आप इसको वाटर में ग्रो कर सकते हैं। ये एक सेजवान चटनी की बॉटल थी, उसी में मैंने इसको लगाया हुआ है। कुछ पेबल्स भी डाले हुए हैं। ये देखिए इसकी लीव्स पिंक कलर की, सुंदर है ना। सो इस तरीके के मैंने वाटर में इसको ग्रो किया हुआ है। सिंगोनियम को ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी कंप्लीट इंडोर प्लांट है। लो लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में इसको लगा के रखिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स। एंड नेक्स्ट प्लांट जो है वो ये छोटे से पॉट में लगा के रखा है मैंने। ये है क्लोरोफाइटम, इसको क्लोरोफाइटम बोलते हैं। ये देखिए, ये मैं छोटा सा एक क्लोरोफाइटम का पौधा लेके आई थी नर्सरी से, करीब करीब साल भर हो गए होंगे लगभग। और अब मेरे पास इसके 5 से 6 पॉट मेरे पास क्लोरोफाइटम के हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट प्लांट है ये, मैंने इस ब्लू पॉट में लगाया है, ये है ड्रेसीना का। ये रेड लीव्स वाला ड्रेसीना है। ये भी इंडोर प्लांट है और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये देखिए, इसकी थोड़ी सी लीव्स जल गई हैं। एक्चुअली एक दिन मैंने इसको थोड़ी सी धूप में रख दिया था, लेकिन फिर मैं रखना अंदर रखना भूल गई, थोड़ी सी इसकी लीव्स जल गई हैं। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा देर तक धूप में मत रखिए, अदरवाइज़ लीव्स के जलने का खतरा रहता है। सो अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छे से आसानी से इंडोर में ग्रो किए जा सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके के इंडोर प्लांट्स हैं। इसके अलावा दूसरे प्लांट्स में दिखाती हूँ आपको। ये रहे मेरे कुछ और प्लांट्स। तो ये देखिए, इनको मैंने इस शू रैक के ऊपर, इस तरीके का मेरा शू रैक है, इसके ऊपर ये जो स्पेस रहती है यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। इतना ग्रीन तो सुंदर लग रहा है ना। और ये गणपति जी क्रिस्टल के हैं, जिनको मैंने यहाँ पे सेंटर में रख दिया है। तो ये है एक स्नेक प्लांट और ये एक और क्लोरोफाइटम। ये सेंटर में जो रखा है ये हवर्थिया है। ये मेरे सक्रन कलेक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ये वही प्लांट है। और यहाँ पे एक और स्नेक प्लांट है, ये पीछे क्लोरोफाइटम। और ये मनी प्लांट, ये पॉट तो देखिए कितना सुंदर है ना। ये सारे के सारे सिरेमिक पॉट्स हैं और इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करके रखा हुआ है। इसके अलावा और जो प्लांट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे मैंने एक ये बैम्बू प्लांट है, इसको मैंने वाटर में ग्रो किया हुआ है। ये विदाउट होल वाला सिरेमिक पॉट है। ये एक और क्लोरोफाइटम और ये मनी प्लांट, ये भी वही सेजवान चटनी की बॉटल है, इसमें मैंने लगा के रखा हुआ है। और ये एक और हवर्थिया। तो इस कुछ इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पॉट्स में अपने प्लांट्स को अरेंज करके लगा के रखा है। सो घर के अंदर ग्रीनरी रहती है, ग्रीनरी दिखती है तो अच्छा लगता है देखना। और सुबह सुबह जब आप उठ के आओ और देखो अपने प्लांट्स को, तो ऐसा दिन बन जाता है। तो ये है मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स। तो आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे आप मुझे बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा मैं इनके केयर के बारे में बता देती हूँ कि आपको इसको इंडोर ही रखना है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरे में ही रखते हैं। थोड़ी ऐसी जगह पे जहाँ पर लो लाइट तो एटलीस्ट आती हो, जैसे कि खिड़कियों के पास में या डोर के पास में, या फिर आप
आर्टिफिशियल लाइट जहाँ से डायरेक्ट आती हो प्लांट्स के ऊपर, वहाँ उसके पास भी रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं प्लांट्स। कभी कभी बीच में लैगी होना शुरू अगर हो जाए, अगर आपको दिखे कि एकदम लंबी लंबी सी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो रही हैं, दैट मीन्स उनको धूप की कमी हो रही है, प्रॉपर उनको लाइटिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख सकते हैं। पर हाँ, आप भूलिएगा नहीं, जैसे मेरा आपने प्लांट देखा था उसकी एक दो लीव्स जल गई हैं, तो ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, अदरवाइज़ एक ही दिन में इन प्लांट के ऊपर सीधे असर पड़ जाता है, दे आर वेरी डेलिकेट। अदरवाइज़ इनको इनकी केयर करना बहुत ही आसान है, आप इनको एज़ यूज़ुअल अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में डालें, और चूंकि इनमें फ्लावर्स तो आते नहीं हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिशियस खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप जस्ट गोबर की खाद कम महीने में या 2 महीने में एक आध बार थोड़ा बहुत डाल दें, दैट इज़ सफिशियंट, दैट इज़ इनफ फॉर देम। और रही बात वाटरिंग की, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर नहीं देना है, क्योंकि चूंकि ऑब्वियसली आप घर के अंदर हैं तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता नहीं है, तो ज़्यादा पानी डालने की वजह से फिर प्लांट की जो रूट्स है वो गलनी शुरू हो जाती है, तो इस चीज़ को इस ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप मिट्टी को अच्छे से छू करके टच करके देख लें कि गीली है, थोड़ी सी भी डैम्प है तो पानी नहीं डालें, अच्छे से सूख गई है देन आप उसमें पानी डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।